नमस्कार दोस्तों, आज इस लेसन में आप लोगों के लिए लेके आओ राग यमन थाट कल्याण के कॉर्ड्स। अभी आपको इस वीडियो में जो पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है ये आपके थाट कल्याण राग यमन के कॉर्ड्स है। जितने भी गाने आपके इस राग पर आधारित हैं, चाहे वो आपके 5,000 गाने हैं, चाहे वो आपके 10,000 गाने हैं, चाहे वो आपके 1,00,000 गाने, चाहे वो आपके 2,00,000 गाने, उन सभी गानों में ये कॉर्ड डायरेक्टली लगेंगे और आप इनको ईजिली भी लगा सकते हो। सो मैं पूरा प्रोसेस वाइज आपको समझाऊंगा कि ये कॉर्ड आपको कैसे कैसे यूज़ करने हैं, कैसे कैसे आपको लगाने हैं। सबसे पहले आप देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, हर एक स्वर के 3 कॉर्ड हैं। जैसे सा के 3 कॉर्ड हैं, पहला कॉर्ड है गा पा सा, फिर दूसरा उसके सामने पा सा गा, और फिर तीसरा कॉर्ड है सा गा पा। रे के लिए भी 3 कॉर्ड है, पानी रे, नीरे पा, रे पानी, और गा के लिए भी 3। हर एक स्वर के लिए 3 कॉर्ड है। इन 3 कॉर्ड्स का क्या मतलब है, पहले तो आप इस चीज का मतलब समझिए। देखिए कई दफा क्या होता है कि गाना हमारा मध्य में चल रहा होता है तो वहां पे मध्य सप्तक का कॉर्ड लगता है। कुछ केसेस में क्या, गाना हमारा नीचे चला जाता है मंद्र सप्तक में, उस केस में हम मंद्र सप्तक का कॉर्ड लगाते हैं। कुछ केसेस में हमारा गाना तार सप्तक में चला जाता है तो उस केस में हम तार सप्तक का कॉर्ड लगाते हैं। सो इसीलिए ये जो कॉर्ड है 3 प्रकार के हैं। जो सबसे पहला वाला कॉर्ड है आप देखिए गा पा सा, वो मंद्र सप्तक का है, ठीक है जी। उसके बाद पहला सा का, जो दूसरा कॉर्ड देखिए पा सा गा, वो मध्य सप्तक के लिए है। देन उसके बाद तीसरा कॉर्ड है सा गा पा, वो आप मध्य में भी यूज़ कर सकते हैं, तार में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाने की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गाना ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या मध्य में चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कॉर्ड्स को यूज़ किया जाता है। सो इसीलिए आपको हर एक स्वर के 3 कॉर्ड बजाने आने चाहिए। दूसरा सवाल है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। सबसे पहले आप पहले लाइन को पकड़िए, यानी कि आप देखो सिर्फ पहला कॉर्ड पकड़िए। जैसे सा का पहला कॉर्ड है गा पा सा, तो उसके नीचे बिंदी है, तो मतलब गा मंद्र सप्तक है और पा भी मंद्र सप्तक, तो पहला कॉर्ड गा पा सा, सा के लिए। फिर रे के लिए पानी रे, फिर गा के लिए पासा गा, ठीक है जी, और मा के लिए धारे मा, सा पा के लिए सा गा पा, धा के लिए रेमा धा, नी के लिए रेपा नी, और सा के लिए गा पा सा। यानी कि पहले सिर्फ पहली लाइन को जो कॉर्ड है उन्हीं को प्रैक्टिस करिए, उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जब ये प्रैक्टिस हो जाए फिर दूसरी लाइन को पकड़िए, एक एक कॉर्ड को बजाइए, फिर तीसरे को बजाइए। देन अभी बात आती है कि ये कॉर्ड अप्लाई कैसे होते हैं। बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई भी गाना पकड़ लीजिए, जो भी मैं आपको कुछ 2-3 गाने बजा के दिखाता हूँ। सपोज करिए आपने स्केल लिया सी शार्प, पहली काली से आपको बजा के दिखाता हूँ। एक गाना है तुम दिल की धड़कन, देखिए सबसे पहला गाने में पहली लाइन क्या है, तो यहाँ पे देखिए तुम दिल की, तो वो जो लाइन रुक रही तुम दिल की, पा पे रुक रहा है। देखो यहाँ पे हमने पास स्वर का कॉर्ड लगाया, जो आप देखो कि अगर आपने ये कॉर्ड नोट डाउन कर ले तो आप देखो सा का जो पा का जो पहला कॉर्ड है वो सा गा पा ही है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सा गा पा लगा दिया, ठीक है। देन उसके बाद उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कॉर्ड है धड़कन में, वो देखते हैं उसमें क्या लगाया हमने, सागा पा। उसके बाद वर्ड जो रुक रहा है धड़कन में, वो रुक रहा है गा के ऊपर, तो उस पर मैंने डायरेक्टली जो गा का कॉर्ड लगाया पा सागा। आप देख लीजिए मैंने सेम आपको यही कॉर्ड लगवाया पा सागा। सो इस तरीके से जिस स्वर के ऊपर गाना रुक रहा है उसी स्वर का डायरेक्टली कॉर्ड लगेगा। कुछ आपको ज़्यादा इसमें गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको ये कॉर्ड याद हो जाते हैं, इनका प्रैक्टिस हो जाता है, तो आप डायरेक्टली किसी भी गाने में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी, ठीक है जी। ये कॉर्ड आपके डायरेक्टली हर गाने में। अभी बात आती है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कॉर्ड हमें कैसे बनाने आएंगे। देखो हर एक चीज़ के लिए सीखना पड़ता है, सीखे के बिना कोई चीज़ कभी इंसान को आज तक ना मिली है ना मिलेगी। सो कॉर्ड एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चर्चा है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको गहराई में जाने के लिए बहुत समय लगता है, समझने के लिए बहुत समय लगता है, जानने के लिए बहुत समय लगता है। अगर मैं आपको ये एक शॉर्ट डेफिनेशन में सिखाऊं तो आपको मैं कॉर्ड्स नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये बहुत लंबे चर्चा है, इसमें बहुत तरीके के कॉर्ड्स आते हैं, मेजर माइनर, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप एक राग के कॉर्ड सीख भी लोगे तो फिर दूसरे राग को आपको कौन बताएगा, तीसरे की कौन बताएगा। सो मेरा यही मानना है कि अगर आपको सीखना है तो प्रॉपरली सीखिए, नहीं तो फिर जो गुरु, जो भी टीचर है, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, बस उसी को फॉलो करिए, उसी में आनंद उठाइए और मज़ा उठाइए और गाने बजाइए, बस। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, अगर डीप में जाना चाहते तो किसी गुरु के पास जाके अच्छे से सीखिए, फिर उस चीज़ का, हर एक चीज़ का आपको प्रमाण भी मिलेगा, ये चीज़ ऐसी क्यों है, इसको ऐसा क्यों बनाया गया, इसके लिए ये ऐसा रूल क्यों है, तो आपको फिर हर एक चीज़ डीप में जाने को मिलेगी। चलिए
सो इसी तरीके से आप कोई अभी और गाना लेते हैं, जैसे राजा हिंदुस्तानी का मूवी का गाना लेते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, सो सेम कोड उसी पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही गाना, सेम कोड, जिस स्वर के ऊपर गाना रुकेगा, अगर सा पे रुक रहा तो सा का कोड लगा दो, गा पा सा। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी कोड लगा सकते हैं, बस ध्यान ये रखना कि जिस स्वर के ऊपर गाना रुका, अगर गा के ऊपर रुका तो गा का कोड, मा के ऊपर रुका तो मा का कोड, पा के ऊपर गाना रुका तो पा का कोड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सो ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। इन कोड्स को याद करिए, रट्टा लगाइए, चाहे कुछ भी करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा काम था आपको मटेरियल देना, बिल्कुल जेन्युइन है ये चीज़। आप कोई भी गाना उठाइए राग यमन पे, आपका कोई भी गाना उधारित, कोई चाहे को कहीं से भी स्किल से, आप इन कोड्स को यूज़ करके आप उस गाने को बजा पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।